हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब्स थ्रू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यूपी गवर्नमेंट द्वारा 1544 पदों पर जो है बीसी सखी की वैकेंसी निकाली गई है। इस वीडियो में बात करेंगे बीसी सखी होता क्या है, आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं, साथ ही कौन कौन से लोग जो है इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बीसी सखी होता क्या है, सबसे पहले कोड दिया गया कि बड़े हो या छोटे, गरीब अशक्त या हो बीमार, आसानी से अब पहुंचेगी बैंकिंग सुविधाएं सबके द्वार। तो बीसी सखी द्वारा जो है बैंकिंग सुविधाएं जो है आसान की जाएंगी सबके दरवाजे पे। तो इसमें जो है बैंकिंग सुविधाएं सबको जो है आसानी से मिले, ये बीसी सखी की वैकेंसी निकाली गई है। बीसी सखी जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा संचालित एक बैंक है, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से संबंध किया हुआ है। और यहाँ पर इसके बारे में डिटेल में दिया गया है कि बीसी सखी जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा संचालित एक बैंक है, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से संबंध किया हुआ है। इसके अंतर्गत जो है माइक्रो एटीएम के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जाएंगी, जैसे कि गांव में किसी को पैसे वगैरह चाहिए तो जो है आसानी से मिल जाएंगी, उसके लिए आपको बैंक नहीं जाना होगा। दूसरा पॉइंट दिया गया कि बीसी सखी का मुख्य कार्य जो है ग्रामीणों तक बैंकिंग सेवाओं को पहुँचाना, इससे न सिर्फ वित्तीय लेन देन आसान हो जाएगा बल्कि ग्रामीणों के काम धंधों में तेजी आएगी, समय और खर्च में बचत होगी। जैसे कि अगर आपका बैंक आपके गांव से 5 किलोमीटर दूर है तो आप जाएंगे पैसा निकालने तो टाइम लगेगा और पैसा भी लगेगा, तो ये सब चीजें जो है बच जाएंगी। साथ ही बीसी सखी स्कीम के माध्यम से जो सरकारी स्कीम आधारित सब्सिडी है या फिर मजदूरी का भुगतान है, जैसे कि नरेगा वगैरह, इसकी रकम आसानी से गाँव में ही आप निकाल सकते हैं। इस तरह का आर्थिक लेन देन बैंक खातों में जमा या निकासी या फिर नए खाते खोलने जैसी सुविधा जो है हर गाँव तक पहुँच जाए, इसके लिए जो है बीसी सखी की वैकेंसी निकाली गई हैं। और टोटल 1544 वैकेंसी निकाली गई हैं। इसके लिए फॉर्म कौन कौन भर सकता है, तो इसमें 6 पॉइंट में बताया गया है कि ऐसे उद्यमी, गतिशील या महत्वाकांक्षी महिलाएं जो स्वयं सहायता समूह की सदस्य हों, वह महिलाएं जो स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं वो फॉर्म फिल कर सकती हैं। इसके अलावा समाज के सभी वर्गों के प्रति सम्मान और विशेषकर उनके आर्थिक विकास के प्रति जो संवेदनशील हो, गरीब तथा वंचित वर्गों के प्रति जो जिम्मेदार और प्रतिबद्ध हो, वो लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल और टेक्नोलॉजी आधारित काम करने व सीखने में रुचि रखते हो, वो लोग इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको न्यूनतम 10th पास होना चाहिए और एज की बात करें तो 18 से 50 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो अप्लाई कर सकते हैं। आवेदिका जो है मतलब फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, उसी ग्राम पंचायत की रहने वाली हो जहां के लिए आवेदन किया है, तो आप जिस ग्राम पंचायत में रहते हैं उसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। और काम के सिलसिले में पूरे ग्राम पंचायत में भ्रमण करना हो सकता है, घरों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में जाने के लिए आप तैयार हैं तभी फॉर्म को फिल करें। और फॉर्म जो है पहले गूगल प्ले स्टोर से बीसी सखी मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है, फिर वहां पर मोबाइल नंबर रजिस्टर करना होगा, ओटीपी आएगा, उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनका आपको ईमानदारी से जवाब देना है। अगर गलत करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। एक से ज्यादा बार आवेदन ना करें, अगर ज्यादा बार आवेदन करेंगे तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, नंबर है 0522-2724-611, ये नंबर है। आप इस पे जो है बीसी सखी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप ले सकते हैं, यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो ये थी इसकी जानकारी। फॉर्म भरने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड और कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।